बीजेपी के बुद्धिजीवियों के साथ संवाद है। आज राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि कर रहे हैं शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी संवाद में मौजूद हैं। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद हैं। तो तमाम प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं। बुद्धिजीवियों के साथ संवाद होगा। राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि इसमें शिरकत कर रहे हैं। सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, आज बुद्धिजीवियों के साथ संवाद है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, किस मुद्दे को लेकर यह संवाद होगा? क्या कोरोना महामारी एक मुद्दा है? क्या कुछ और अपडेट वहां से मिल पा रहा है? देखिए, झारखंड के प्रवास पर राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि आए हुए हैं, जो कि कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और आज शाम पदाधिकारियों के साथ भी बैठक है। तो जब प्रवास कार्यक्रम होता है तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज यह इंटेलेक्चुअल डायलॉग चल रहा है, जो इसी सभागार में चल रहा है, जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, कुछ समाजसेवी हैं। विषय यह है कि बीजेपी की जो नीतियां रही है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने कुछ पॉलिसीज अपनाई है, जैसे देखिए जम्मू कश्मीर का मसला है या फिर कोरोना महामारी में केंद्र के द्वारा उठाए गए कदम और आज तक जो किए गए हैं काम, उस संबंध में चर्चा होनी है। तो ये कई राजनीतिक, सामाजिक और इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट वर्क हैं या जो काम हुए हैं उस पर परिचर्चा है। लोग अपना सवाल भी रख रहे हैं, कुछ जो जिज्ञासा है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो सीटी रवि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हैं और वही इसका जवाब भी दे रहे हैं। वैसे प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें हैं, अध्यक्ष हैं, दीपक प्रकाश हैं। तो ये कार्यक्रम इसलिए आहूत किया गया है कि बीजेपी के जो बड़े नेता कहीं किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ के सामाजिक स्तर पर जो रिकॉग्नाइज पर्सन्स होते हैं उनसे एक संवाद करते हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि क्या केंद्र सरकार, चूंकि यहाँ पर झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी विपक्ष में है, तो इस तरह के कार्यक्रम हर जगह किए जाते हैं और उनसे फीडबैक लिया जाता है कि बीजेपी की नीतियाँ कैसी है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और उस राज्य विशेष यानी झारखंड जैसे है तो झारखंड के संबंध में जो राजनीतिक वातावरण है, इसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या करना चाहिए, क्या कमियां हैं, इन तमाम चीज़ों पर एक परिचर्चा होती है, लोगों से सवाल जवाब होते हैं और जो राष्ट्रीय महामंत्री है वो उसका जवाब देते हैं, उनसे फीडबैक लेकर फिर केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाता है कि झारखंड में इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो है वो किस प्रकार की समझ रखता है। तो यही कुछ चल रहा है। आसिया, चलिए, तो फिलहाल अभी बैठक चल रही, जैसा राजेश ने अपडेट किया है कि बुद्धिजीवियों के साथ संवाद फिलहाल चल रहा है। चूंकि प्रदेश दौरे पर हैं तो कई तरह की और आगे भी चर्चाएं होंगी। राज्य में सरकार बीजेपी की नहीं है तो कई तरह की कोशिशें होंगी, जो खामियां इस सरकार की उसे भी घेरने की कवायद होगी, उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल अभी बुद्धिजीवियों के साथ संवाद हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं।